हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदे केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलो अभी हम आज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर, अभी ये आपका क्या, यहाँ आज के लेक्चर में पूरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर क्या करूँगा, कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें न्यूमेरिकल्स पे बनाऊंगा एक वीडियो। ओके, तब तक अभी अभी इसको खत्म कर लेता हूँ, मतलब आपका ये पूरा टेंशन खत्म हो जाता है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया है, फिर अपना सॉल्यूशन चैप्टर में उसके बाद कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। फिर वो बीच बीच में एक दो दिन गैप से मैं वो कर लूंगा, बाकी का बचा हुआ चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, ठीक है। चलो अब हमको देखना है जी बॉन्ड एंथैल्पी, देखना है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कि पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, जिसके कारण क्या होगा, गैस एटम बनेंगे या फिर चार्ज पार्टिकल बन सकता है, रेडिकल्स भी इसको बोलते हैं वो। ओके, तो देखो अभी द एंथाल्पी चेंज, तो मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। देखो, एंथाल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स और रेडिकल इज कॉल्ड बॉन्ड एंथाल्पी। देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर कीजिए, जैसे अब हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 रहता है, HH, तो अब इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो गैसीय स्टेट होना चाहिए, सॉलिड स्टेट कभी बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, गैसीय स्टेट होंगे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो HH हाइड्रोजन गैस मिल गया। और यहाँ पे देखो डेल्टा आर एच नॉट कितना है, 436.4 के, इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है इसको, 436, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस में ना एब्जॉर्ब कर रहा है, माइनस में नहीं रहती है। क्लियर हुआ, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल लेना है आपको, ठीक है ना, गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड और एंड स्लैश करके और एंड रेडिकल लिखा है, मतलब आपका क्या होता है, एटम भी बन सकते हैं, एटम और रेडिकल भी बन सकता है। ओके, ऐसा उसका मतलब मीनिंग है, ये एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए इसमें। अब हम देखते हैं एवरेज, अब ध्यान देना, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो देखिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, देखो अब यहाँ पे एवरेज में क्या होता है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब अभी दो एक ही मॉलिक्यूल दो तीन बॉन्ड है, तो सबको ब्रेक करके उसका एवरेज निकालना पड़ता है हमको। देखो यहाँ पर ईच कोवेलेंट बॉन्ड इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी एंड द थर्मोकेमिक इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो अब जैसे हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन बने और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना लगा, 927 किलो जूल एनर्जी, देख लीजिए पॉटिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद में फिर देखिए द टू ओ एच बॉन्ड इन एच टू आर आइडेंटिकल, द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक इंडिविजुअल ओ एच बॉन्ड आर डिफरेंट, हमको लगता है सेम है लेकिन दोनों को ब्रेक करने के लिए, देखिए यहाँ पर कैसा होता है, देखो अब उसको बताता हूँ मैं, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एच टू ओ, तो यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग लगेगी, इसको अलग लगेगी, दोनों जबकि आइडेंटिकल है लेकिन बॉन्ड डिफरेंट लगेगी। जैसे देखो अभी एच टू ओ को हमने ब्रेक किया, तो देखो यहाँ पर क्या, ओ एच को बॉन्ड ब्रेक करने के लगे 499 किलो जूल, और फिर ओ एच दूसरे ओ एच को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, देख लीजिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 420, दोनों का सम कर दो, देखो 927, सम करना है प्लस करना है, कुछ बड़ी बात नहीं, ये एवरेज ऐसे निकालना है आपको, बात समझे कि नहीं आपको। ओके, थोड़ा सा इसके साइज में बढ़ा दो। ओके चलिए अब क्लियर है, देखो तो एवरेज में क्या होता है, अब देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एवरेज आएगा, तो एवरेज मतलब अभी आपको एच टू ओ का बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितना हो गया, 927 किलो जूल, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे हमने पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये ब्रेक किया तो आपका ओ एच बन गया है और एच बन गया, उसके कितनी एनर्जी लग रही है, फोर कितना लग रहा है, 499 किलो जूल। फिर हमने ओ एच बॉन्ड को ब्रेक किया, ये ओ एच को बॉन्ड को ब्रेक किया तो कितना लग रहा है, इसके अंदर एनर्जी आ रही है 29 मतलब 428, तो दोनों को सम किया तो कितना आएगा, 927 किलो जूल, आसान है एवरेज, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ओके चलिए अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डू यू नो करके आपके टेक्स्ट बुक दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखो यहाँ पर इन मीथेन मॉलिक्यूल देयर आर फोर आइडेंटिकल कार्बन हाइड्रोजन, बराबर है ये मीथेन मॉलिक्यूल, इसमें कितने होंगे, फोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, फोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है ना, देख लीजिए आइडेंटिकल सेम है, कार्बन हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन फोर बॉन्ड्स है आपके पास, ठीक है, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन सबकी बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट होगी, ऐसा लगता है हमको कि सेम ही तो होना चाहिए, ऐसा नहीं, अभी सभी इंसान है लेकिन सभी लोग अलग अलग, सबके अलग अलग चॉइस, अलग अलग खाना पीना सब अलग है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पर है। तो द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन ऑकर्स इन फोर स्टेप, देखो क्योंकि चार बॉन्ड है फोर स्टेप जाएगा, पहले हमने क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया तो उसके अंदर कितने 427 किलो जूल आया, फिर हमने कार्बन दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो कितना है 439, फिर तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया
तो आएगा 450, चौथा बॉन्ड किया तो 347। ये एक्सपेरिमेंटल है, हम मन से कुछ नहीं बता रहे, एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता। सम किया तो 1665 किलो जूल आ गया। तो एवरेज कार्बन, एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो उसको, कितना आ जाएगा 416 किलो जूल। मतलब द डेल्टा आर एच नॉट ऑफ सी एच बॉन्ड कितना होगा 416 किलो जूल पर मोल आ गया ऐसा। इसको डिवाइड करना, एवरेज निकालना पड़ता है इसका, ठीक है ना। वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो ये निकाला इसको आप एवरेज बोला, एवरेज बोलता है इसका, तो इसको क्या अगर 927 को आप क्या करो 2 से डिवाइड करो, दो बॉन्ड था, पाँच सर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, जो भी आएगा आपको डिवाइड करके। ओके, तो अभी ऐसा आपको कर लेना है, यहाँ पर बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर मेरी। तो कितना है 927 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आता है इसका 463.5 आता है इसका। कितना है इसका 463.5 किलो जूल पर मोल आएगा इसका, ये एवरेज, ये वाटर की एवरेज हो जाएगी, ऐसा निकाल सकते हैं लोग, ठीक है ना। ये आसान है, बोला कोई बड़ी बात नहीं। अब देखते हैं रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज, रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, इसलिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं अभी यहाँ पर। देखो डेल्टा आर एच नॉट, ये समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट, रिएक्टेंट लिया हम जनरल लेते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते हैं, जनरली हम क्या करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन हम यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पीज के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो लगी एनर्जी उसको वो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेंगे। तो देखो समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट, जैसे कि H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI बनाया अपना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हो डेल्टा आर एच, देखो यहाँ पर हीट ऑफ, देखो डेल्टा एच नॉट पहले हाइड्रोजन, यहाँ H2 है ना HH, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, प्लस फिर II, उसके बाद फिर HI टू टाइम्स, तो बस इसकी जो वैल्यू रख के ये करना है प्लस माइनस। आपने किया था कल ऐसे ही क्वेश्चन, इस टाइप का ईजी क्वेश्चन। जैसे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, देखो C2H4 हाइड्रोजन लिया हमने यहाँ पर H2, तो ये इतना बना आपका अमोनिया दो, तो यहाँ पे देखो है डेल्टा एच नॉट एन एच की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी 389 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच 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 के लिए 435 किलो जूल, एच डेल्टा एच एन एन के दे रखी है 559। तो अभी यहाँ पर देखो इसको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, कभी स्ट्रक्चर मालूम चलता कितनी है, तो एन एच कितनी 1 2 3 4 और एन एच एन एन के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम बना सकते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में देखो 4, यहाँ कितने 1 2, देखो दिख रहा है NH1, देखो ये 2, यहाँ पे देखिए 3 और ये 4 बॉन्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पे याद रखना आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 होती है, यहाँ पे लिखा मैंने 4, ठीक है ना, इंटू डेल्टा एच नॉट एन एच लिया प्लस, अब यहाँ पे क्या आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी है तो वो भी लिख दिया नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया प्लस, फिर यहाँ पे कितना है यहाँ पे 1 2 3 3 2 6 डेल्टा एच नॉट एन एच 6 हो गया ना, ये 1 2 3 3 2 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर कुछ नहीं था 1 था इधर, ठीक है इतना आ गया। अब उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस खत्म, इसके रख दी वैल्यू देखो 1 है तो ये रख दिया, इसका रख दिया हमने 2, ये करके सब कुछ इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो 159 और ये 435, ठीक है ना, ये इसको प्लस कर लो दोनों को, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को क्या करो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा -184 के। ईजी है बहुत, इतना डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन। अब हम और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो अभी ये रिएक्शन गिवन है पूरा आपका, ठीक है ना, इसमें सभी देखो डेल्टा आर एच नॉट दे रखा है, कैलकुलेट कर रहा है सी एल बॉन्ड बोल रहा है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो अब बॉन्ड एंथैल्पी सबके देखिए, सी एच की बॉन्ड दे रखी है, सी सी एल के दे रखा है, एच सी एल के, सबकी एंथैल्पी क्वेश्चन में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं इसका ये बना लेते हैं, अभी फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा आर एच नॉट समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है, दो ही रिएक्टेंट, तो मीथेन कितने का 4 बॉन्ड है यहाँ पर, देखो अगर सेम बॉन्ड होगा तो कैंसिल भी हो जाते हैं, ये बात है याद रखना है। देखो 4, देखो सी एच बॉन्ड ये लिख दिया हमने, फिर ये सी एल टू एक ही है लिख दिया, फिर सी एच देखिए 3 है, यहाँ लिख दिया 3 सी एच और यहाँ पे एक सी एल, तो अब ये 3 और ये कट हो जाएंगे आपके, इसमें से ये कट हो जाएंगे, 4 में से 3 कट हो, एक ही बचा, देखो यहाँ एक लिखा सी एल, फिर ये बाकी सब जो कुछ बचा है सब लिख दिया, सी एल सी एल आगे कहीं और नहीं है, एच सी एल एच सी एल वो भी नहीं है, ठीक है ना, बस बाकी सब लिख दिया हमने। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंथर निकालना, कार्बन क्लोरीन उसको छोड़ के बाकी सब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं, अब इसको इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आपके यहाँ आ जाएगी 26 और उसको यहाँ पे ले जाकर माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ये देखो ये आ गया 330 किलो जूल, कुछ नहीं बहुत आसान है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको 100 है ना 4, देखो यहाँ पे क्या है माइनस 104 है, इसको 226 आया माइनस करके,
ठीक है ना, ये सब सॉल्व करके इतना है, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस होएगा, माइनस का प्लस होएगा, तो दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके 3 30 बोले सर भागे, क्योंकि ईजी है बेटा, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, इसलिए मैं फटाफट ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ इसके अंदर, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पूरे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मेरा बना, ये टेक्स्ट बुक था, अब एक क्वेश्चन मैंने बना दिया था, लिखा है कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट, मतलब यहाँ आर डाल दो, आर लिख रहता है नॉट आर, आपको डेल्टा आर एच नॉट आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको रिएक्शन दिए हुई है, मतलब मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन के तो बनेगा CH2O, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, और ये वाटर, ठीक है ना, गैस सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन हाइड्रोजन दे रखी है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है ना, ओके ये दे रखा है। तो आपको गिवन में ये सब हमने लिख दिया यहाँ पर, ओके। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको ये कैलकुलेट करना है, देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मीथेन, तो हमने पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म लिख दिया सभी के, इसका ये है ना, इसका ये स्ट्रक्चर, ये आपका मॉलिकुलर फॉर्म है, ये मॉलिकुलर फॉर्मूले फॉर्म में लिखा है मैंने यहाँ पर, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखा है। तो कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 बॉन्ड हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन 1 बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है। देखो ये तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना, देखो सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड ब्रोकन बाय द रिएक्टेंट, सम ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द प्रोडक्ट्स, ऐसा लिखा है। तो अभी आप देख लो यहाँ पे 2 लिख दिया है, क्यों लिखा 2 बता सकते हैं कि 2, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 कट करके लिखा है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट। यहाँ पे कितना है 4 है ना, 4 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 2 कार्बन हाइड्रोजन, उसमें से ये कट जाएंगे डायरेक्ट, कट करके यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर डेल्टा एच, ये आपका ये ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड 1 है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, तो सबकी वैल्यू डाल दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, करके ये लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिखा कुछ बना, सब सॉल्व है यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखो ये लिखा है, फिर इसमें देखो इसको सम कर दो, इसको सम कर दो और माइनस कर दो, आ जाएगा 446 किलो जूल, सॉरी 346 किलो जूल माइनस में आएगा आपका, देख लीजिए ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहता है। ये बॉन्ड एंथैल्पी का आप और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर, देख लीजिए कैलकुलेट कार्बन क्लोरिन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये रिएक्शन दे रखा है आपको, ठीक है ना, सबके बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी, ये क्वेश्चन सेम हो गया शायद, नहीं थोड़ा सा चेंजेस है, स्लाइटली चेंजेस है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्लाइटली चेंजेस है 104। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये क्वेश्चन उसी उसी सेम रहेगा, आपको लुक कर लेना, मैं आपको ये दे देता हूँ, देखो यहाँ पर ये देखो आपको ये क्वेश्चन है, ये आपको रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा, गिवन मिल जाएगा, ये सॉल्व किया आप देख लेना करके इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोले इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो हेजेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समिशन, हेजेस लॉ ऑफ हीट कॉन्स्टेंट समिशन, देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, देखो ये हेज लॉ है, इसको शॉर्ट में हेज लॉ बोलते हैं, हेजेस लॉ बोलते हैं कई लोग इसको। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप, मतलब अगर आपकी रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है उसकी जो वैल्यू होगी एंथैल्पी चेंज, और उसमें वही उसी को अगर हमने 2 3 स्टेप में कर लिया तो उसका सम उसके बराबर होगा। मतलब जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए कंसिडर, देखो कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो मैंने सिंगल स्टेप में कहा था कार्बन को ऑक्सीजन हमने कंबोशन किया बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कितनी वैल्यू है डेल्टा एच इक्वल्स टू -393.5, देखो एक ही सिंगल स्टेप में हो गया। अब 2 स्टेप में हो गया, देखो कार्बन को हमने क्या किया लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिया, मतलब हाफ वाटर ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका कितना डेल्टा एच1 हो गया -83 किलो जूल, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा H2 -210.5 किलो जूल, दोनों का सम करना पड़ेगा। तो देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, देखो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, देखो ये लिखा हमने पूरा, और डेल्टा H1 डेल्टा H2 दोनों का सम कर दो तो आपको कितना मिलेगा, वो -393.5 किलो, जो दोनों का सम सेम रहेगा, देख लीजिए चाहे वो सिंगल स्टेप में आप कर लीजिए या पाओ उसको 2 स्टेप में कर लो या जितने भी, देखा ना, देखो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप, बहुत ही बढ़िया है। अब इसके क्वेश्चंस करके देखेंगे, सॉरी पहले हम उसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन नहीं है अब आपके, लेकिन मैंने डाल दिया है आपके टेक्स्ट में, एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ इतना मैं, देखो द थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं, एडेड सब्सट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, लाइक ऑर्डनरी एलजेब्रिक सम, आप लोग किए ना एलजेब्रिक इक्वेशन करते हैं आप लोग वो 10th में किए हुए उसके जैसा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सट्रीम स्लो, जो बहुत ही स्लो रिएक्शन उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इससे। टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कम्बशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सब कर सकते हैं। टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं होता उसको भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, थर्मोकेमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लोग ऑर्डिनरी एलजेब्रिक इक्वेशन में करते हैं। ये पहला पॉइंट है, ओके मैं इसको स्लो स्लो बता दिया अभी।
अब हम क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीम स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन, उसकी भी हम हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इस लॉ से। फिर देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट वो यहाँ बोल रहा है, टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन विच डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली, जो डायरेक्ट नहीं होता मतलब इनडायरेक्टली होता है, उसको भी हम इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन। अब देखो जब कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, कैसे करना, देखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पर रिएक्शन दिया आई नहीं, मतलब आपके टेक्स्ट बुक की सॉल्व लिया मैंने, ठीक है, इसके फिर मैंने अपने क्वेश्चन डाले इसके। देखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, देखो तो एफ आयन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा Fe2O3, ठीक है ना, ये वन मोल में बनाते हैं जनरली। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया, एल्यूमिनियम को आयन से रिएक्शन किया तो बनेगा आयन प्लस एल्यूमिनियम, उसका डेल्टा मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ये दे रखी है, मैं डायरेक्ट डेल्टा एच बोलता हूँ। फिर देखो एल्यू सेकंड स्टेप, तो उसका वैल्यू ये दे रखी है। तो आपको आपको क्या करना है, देखो ये जो इक्वेशन है इन दोनों से लाना था, दोनों में देखेंगे अभी रिएक्टेंट आयन, आयन यहाँ है क्या नहीं है, आयन इधर दिख रहा, तो पहले रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, लिखा है देखो रिवर्स इक्वेशन नंबर वन। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तब तब आयन इधर आएगा ना, उसके बाद फिर क्या करना, सेकंड एंड देन एडेड टू सेकंड, सेकंड को ऐड कर दो। देखो अभी इसको हम ऐड करते हैं, देखो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ओ हमको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, इसको नीचे लिख दो ना पूरा, देखो आयन चाहिए, आयन आ गया। फिर अब यहाँ पे क्या चाहिए, अभी आपको ओ टू चाहिए, तो मतलब ये एल्यूमिनियम ये कट हो रहा है इसके अंदर, तो कट हो जाता है, ये बचा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या था, Fe2O3 ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या आपका Fe3 लिख दिया, हाँ चलो ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को सम कर दो, दोनों वैल्यू को सम कर दो, ये रिवर्स किया, देखो यहाँ पे क्या था वैल्यू माइनस थी, देखो जैसे इक्वेशन को रिवर्स करते तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन, यहाँ पे देख रहा है क्या, माइनस था इधर, इधर हो जाएगा प्लस। अब दोनों को सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8 - 822.4 kJ, ये आपको वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ऐसा करना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। और एक आपका सॉल्व क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है। देखो SiO2 प्लस क्या लिखा है यहाँ पे 3, ये ग्रेफाइट है, ये SiO2 सिलिकन कार्बन बन गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया, तो ये अब ये जो है ना फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, इससे निकला है ये, तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते जाइए आप, ये SiO2 कहाँ पर, इधर इस साइड, पहले रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स द फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, फिर से ऐड द सेकंड थर्ड फोर्थ, बाकी सबको ऐड कर दो क्योंकि बाकी सब यहाँ पर है आपके, तो रिवर्स कर दो तो साइन चेंज हो जाएगी इसकी, क्या है यहाँ पे माइनस है, पहले इसको रिवर्स करते, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा आपको इधर, ओके रिवर्स करने का, तो लेकिन ठीक है ना, रिवर्स कर लीजिए, बाकी ऐड कर दो, ऐड करने का बाकी जो जो होता है SiO2 को छोड़, इसको छोड़कर बाकी कैसे हो जाएंगे, देखो आपके यहाँ पे ग्रेफाइट को छोड़कर, दो ग्रेफाइट दो एक, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा वो कैंसिल। तो अभी देखो सिलिकन आपका ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे SiO ये है लगेगा, हाँ ये तो है यहाँ पे, सॉरी ये है इक्वेशन में, इसको नहीं करना है, इक्वेशन में जो है वो नहीं करना, इस तो आप SiO2 को छोड़ दो यहाँ से, इसको छोड़ दो, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, मैं सर्कल कर देता हूँ, ग्रेफाइट कितना 3 है, तो 2 और 1 3, ये तो प्लस होकर इतना आ जाएगा, ठीक है, ये इसको कैंसिल नहीं करना दोनों का आपको, ठीक है, यहाँ पे SiC है, इसको कैंसिल नहीं करना यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही है यहाँ पे, एक ही है यहाँ पे, CO कहाँ पर, ये रहा ये भी है, बाकी सब आपके मैं कट कर दे रहा हूँ, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इसमें से, देख लीजिए। और फिर कट करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सब बाकी के सम कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा 6 कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मैंने समझाया आपको, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा ये देखते हैं, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स, द एबव स्टेटमेंट गिवन बाय किसने दिया था, याद करो फैराडेस लॉ है, हेज लॉ है, या फर्स्ट लॉ थर्नाइक्स है, या नन ऑफ दिस, तो हमको मालूम ये हेज लॉ है, आसान है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, हेज लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन करता है, हीट ऑफ कंबशन करता है, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सटेंस लो ये भी करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, बहुत आसान है। अब देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन, अब ये MCQ फॉर्म में दिया है, ग्रेफाइट से क्या बन रहा है, ग्रेफाइट से कार्बन बन रहा है गैस में, फिर डायमंड से कार्बन बन रहा है, दोनों की वैल्यू यहाँ दे के रखी हुई है, एंड डेल्टा एच निकालना है फॉर द इक्वेशन आपको, ठीक है ना, और यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके, आप देखो कैसे करना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर ए है आपका 1.9 kJ, ठीक है ना, देखो कैसा है, ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है ना आपको, ये उसने ये बोला है ना, देखो ना उसने क्या बोला, यहाँ पर आपका गिवन ये रखा है, तो बोला है कि डेल्टा ये इसी को ये निकालना है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, इसको डायमंड आपको कहाँ से इधर चाहिए, तो सेकंड को रिवर्स कर दो, हो गया, सेकंड को रिवर्स कर दिया आपने, तो बस आपका आ जाएगा माइनस करके, देखो तो ये आपको यहाँ पे ये इसकी वाली इधर दे रखी है, ये करके सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1.9 kJ आ जाएगा, 100 प्लस करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल टेक्निक है, कुछ ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है उसके अंदर, ओके, ऐसा आपको कर लेना है, यहाँ पर बन जाएगा आपसे ये, चलिए इसको करके देख लेना। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखिए, गिवन
यहाँ पे देखिए, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दे रखा है आपका, ओके तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है आपकी, इसका एच निकालना है आपको, तो इसको आप इक्वेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे एफ ई है, एफ ई मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया है अपन अभी, नहीं ठीक है चलो, तो जो भी होगा रिपीट होगा, तो ये अभी शायद मेरे ख्याल से लगता है किया हुआ है, रिपीट है ये, तो ये देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिपीट है शायद, रिपीट है वो कर किया है मैंने अभी इसको, ठीक है चलिए। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस, ध्यान से देखेंगे इधर अभी आप, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर देयर ऑकरेंस। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, जैसे अभी कोई माउंटेन से ऊपर से कोई स्टोन गिर रहा है तो अपने आप गिरेगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, उसको होते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब इरिवर्सिबल। आपका स्टोन नीचे आया है, ऊपर जाएगा क्या, कोई पहाड़ पर है एक स्टोन, वो अपने नीचे गिर गया, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नीचे से ऊपर जा सकता है अपने आप, नहीं, उसको फोर्स लगेगा ऊपर जाने, आप हाथ से उठा के फेंकना पड़ेगा आपको। तो यही वो बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर देयर ऑकरेंस। हो गया, अब एक छोटा सा टर्म अभी और है कि एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी है वो, तो द स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस मस्ट बी अकम्पेंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एज हीट एंड इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन ऑर्डर टू टेक स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस होती है एक्सोथर्मिक, जैसे कागज को जलाया तो अपने जल जाए फटफट फटफट करके, देखो स्पॉन्टेनियस, एक बार जलना शुरू हो गया तो वो स्पॉन्टेनियस है, तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसकी जनरली। जैसे भी एसिड बेस्ड न्यूट्रिशन इज अ स्पॉन्टेनियस, अब इसको कुछ एग्जाम्पल दिए हमने यहाँ पर, ठीक है ना, बात समझे कि नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये क्लियर हुआ आपका, द स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, इसको अपन यहाँ से ऐसे करते हैं, इन शॉर्ट से हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक करते हैं, द स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस मस्ट बी अकम्पेंड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी एज हीट, इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक इन ऑर्डर टू टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियस। इसे लिखा एसिड बेस्ड न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो यहाँ पे KOH और नाइट्रिक, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, दिख रहा है आपको। तो अभी यहाँ पर आपका ये दोनों रिएक्शन पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में, इसमें कितनी हीट निकल रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा फिक्स रहती है, -57.3 फिक्स एनर्जी, हमेशा याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, -57.3 या 2 भी हो सकता है, थोड़ा वो डिफरेंस दे देते हो लोग, तो 57 -57 फिक्स रहेगी इतनी वाली चीज़, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस की, ये स्पॉन्टेनियस होगी, माइनस होगी ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तो देर आर मेनी मोर प्रोसेस दैट आर एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक जो होती है वो एक्सोथर्मिक था एग्जांपल। अब देखो आइस, तो इसको क्या किया, देखो 0 डिग्री की अबव है, अबव 0 डिग्री तो क्या होगा आपका वाटर, क्या होगा आइस से, क्या सॉलिड से क्या बन रहा है आपका यहाँ पर लिक्विड, तो इसमें देखो प्लस में है, तो ये भी एंड उसमें, तो जो आपने अगर कोई आइस क्यूब रख दिया तो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो सॉलिड से क्या लिक्विड बन जाएगा, इनिशियल सॉलिड है उससे क्या ना एक्विस बना, ठीक है ना, वाटर में डाल दिया उसको, तो कितना +3.39 किलो जूल, ये स्पॉन्टेनियस है। अब N2O4, तो इसको 400 केल्विन के अबव रखेंगे तो मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही दो मॉलिक्यूल होते हैं, 57, देखो ये प्लस में ही है, इस टाइप से देखो ये हो गया आपका कुछ ऐसा। मतलब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, देर आर मेनी मोर प्रोसेस दैट आर एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक भी है और स्पॉन्टेनियस भी बोल रहा है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंट्रोपी, अब आपका चैप्टर एंडिंग पे आ चुका है, ठीक है ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, फिर देखेंगे क्या करें, जो बाकी जो थोड़ा बहुत है मैं अपने हिसाब से MCQs में ले लूँगा, ठीक है ना, और फिर बाद में बीच में फिर आपका एक न्यूमेरिकल का पूरा एक लेक्चर इसमें बना दूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखो एंट्रोपी क्या होता है, द मॉलिकुलर डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस, क्या बोला है, मॉलिकुलर डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस जो रहेगा आपका, मॉलिकुलर डिसऑर्डर रैंडमनेस, देखो कोई मॉलिकुलर डिसऑर्डर हो गया या फिर रैंडमनेस हो गया, तो मेजर बाय थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं एंट्रोपी, जिसको हम लोग कैपिटल एस लेटर से डिनोट करते हैं, बराबर है। ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम हाई, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम हायर इज द एंट्रोपी एंड वाइस वर्सा, आपको याद रखना है। जैसे अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो फॉर एग्जाम्पल आयोडीन सॉलिड है, सॉलिड क्या एक्वियस में हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड है, यहाँ पे अगर डिसऑर्डर सेट, तो यहाँ पे डेल्टा एस जो होगा चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, वो लिखा है वर्ड्स में पॉजिटिव। फॉर अब हाइड्रोजन गैस है, गैस से क्या हो रहा है, गैस, तो इसमें क्या हो रहा है ऑर्डर्ड से, देखो ये गैस मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एटम्स बने, तो ये डिसऑर्डर हो गया, देखो तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ आया कि नहीं, आपका सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस में आएगा,
तो आपका डिसऑर्डरनेस, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ऐसे होते हैं कि यूनिवर्स के जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, एंट्रोपी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कि वो फैलते जा रहा है ना यूनिवर्स, ऐसा वैसे ही हो रहा है यहाँ पे एंट्रोपी, ठीक है। चलो अब और देखते हैं एग्जाम्पल, और है दो फॉर रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन किया हमने, तो क्या बनेगा, वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड, मतलब डिसऑर्डर हो गया, ये मोर ऑर्डर है, ये लेस डिसऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आ गया। मतलब अगर आपका गैस से सॉलिड होगा तो डिसऑर्डर, गैस से लिक्विड आए तो डिसऑर्डर, लिक्विड से सॉलिड आए तो डिसऑर्डर, सॉलिड से गैस है तो आपका रेंडमनेस बढ़ गया, उसके अंदर वो पॉजिटिव रहेगा। वो जैसे अभी कैल्शियम सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड और गैस, तो ये हाईली डिसऑर्डर हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, बराबर है कि नहीं, ऐसा आपको करना है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का, और आपका ये चैप्टर अभी पूरा फिनिश होने वाला है, तो मैंने अभी ख़त्म कर दिया वैसे भी, तो अभी कल से आपका सोल्यूशन पे मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा पेंडिंग था, ठीक है ना। अभी इसको मैंने जितना हो सकता है मेरे से मैंने अच्छा करने की कोशिश किया, और थोड़ा सा जल्दी ले लिया, क्योंकि बाद में ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है ये हम बाद में रिपीट करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना बेटा, बाद में हम इसको रिपीट करने वाले, आप जैसे बोले वैसे करेंगे। अभी आप इसको ख़त्म करते हैं इसको, फिर इसके मैं एमसीक्यू देता हूँ इसका, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल के अलग दो वीडियो और बनेंगे इस पर, ठीक है ना। चलिए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, हो सकता है न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस कराए तो ज़्यादा बना सकता है वीडियो, आप बताइए मुझे। पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, बाद में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, आराम से वो चलता रहेगा धीरे धीरे प्रोसेस। तो जैसा मुझे लगा कि मुझे लीजिए बोला नहीं आज न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो कर दूंगा मैं, ठीक है ना। आप देखो क्वांटिटी डेफिनेशन एंट्रोपी, उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन अ प्रोसेस इज अ लिक्विड टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। देखो क्यू मतलब इसको मैं वैसा लिखता हूँ, देखो ये इसको डेल्टा, देखो ये हीट ऑफ एस है ना, ये एंट्रोपी चेंज लिखा, डेल्टा एस इक्वल्स टू यहाँ पे एनर्जी रिवर्स फोर्स फॉर्म में रेट है। तो देखो क्या बोल रहा है, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द रिवर्सिबल मैनर, देखो ये रिवर्सिबल मैनर में डिवाइडेड बाई किसे करना, उसको टेम्परेचर उसको डिवाइड करना है, ठीक है ना, एट विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, पे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज की, जो एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन की यूनिट है, और क्यू रिवर्स करेगा हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इन जूल में होगा, और टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ये यूनिट याद रखना है आपको सबकी। हो गया खत्म, आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया है, अब आपको कोई टेंशन नहीं आएगा इसमें। हाँ अब आपको याद रखना, इसके बाद अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका केमिकल थर्डेस, वो एम सी क्यूज का बनाने वाला हूँ, एम सी क्यूज का वीडियो आएगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा, उसके जो वीडियो आएगा वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल्स का वो, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छा हाँ, और एक है आपको, जिसको भाई जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल लेक्चर मेरे अटेंड कीजिए आप लोग, कर आप लोग नहीं कर रहे हैं आप लोग, आप मैं देख रहा हूँ क्योंकि आप ज्वाइन नहीं हो रहे, स्पेशल क्लास जो है अन अकेडमी की बात कर रहा हूँ, तो उसका टाइमिंग है 8 से 9, और संडे को इस पर टेस्ट रखा है मैंने 3 चैप्टरों पर, HD मतलब हेलोजन डेरिवेटिव एक चैप्टर ये है, दूसरा चैप्टर यहाँ पर है आपका देखो अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, और तीसरा जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोल, ये तीनों का टेस्ट है संडे को 13 दिसंबर को टेस्ट रखा है, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और आपको टेस्ट मिलेगा। वहाँ पे पोल आते हैं ABCD, आप आंसर दे सकते हो, ऑनलाइन रहेगा मतलब आपका ये लाइव लेक्चर रहेंगे, ठीक है ना, संडे को ये 13 तो टेस्ट दीजिए आप, ये मेगा क्विज नाम दिया मैंने इसको, मेगा क्विज, ओके, ये संडे को टेस्ट है 8 से 9, टाइमिंग लिख दिया मैंने, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप कीजिए ज्वाइन। बस अब खत्म हो गया, अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया, अब बस अभी सॉल्यूशन चल रहा है, फिर अभी जरा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है ना, सॉल्यूशन का फिर बाद में चलेगा। कई बच्चे बोले सर कोऑर्डिनेशन ले लो, उसके भी कोऑर्डिनेशन ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, इनऑर्डर लेंगे, क्योंकि फिजिकल के 3 हो जाते हैं, आपका सॉलिड स्टेट हो जाता है, आपका सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद फिर ये हो जाता है, कहते कौन सा एक और चैप्टर हमने लिया अभी यहाँ पर, अभी एक रनिंग है अपना, सॉल्यूशन तो रनिंग है और आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे 3 चैप्टर ये हो जाते हैं। अब उधर से अब हम इनऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद इस और इसके बाद केमिकल के बाद फिर हम इनऑर्डर, फिर अभी क्या है आपका इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स 2 ही बचा हुआ है, यहाँ के 2 ही चैप्टर रह गए, वहाँ फिर DF और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, DF मतलब P ब्लॉक और DF और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस वहाँ से 3 रह गए, 3, 2, 5 ही चैप्टर, और एक जो एक वो रह गए गलते ग्रीन केमिस्ट्री जनरल 6 चैप्टर और रह गए, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री वो ईजी है, उसमें एक आध कोई क्वेश्चन आया तो आया बोर्ड में, नहीं तो नहीं आने वाला, और MCQs में चांसेस कम दिखते हैं मेरे को,
ठीक है। चलिए अभी आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए करिए, और ये मेरा स्पेशल क्लास फ्री रहता है, इस पर ज्वाइन कीजिए आप अनअकैडमी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके बेटा, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने लगाइए, ठीक है ना। और जो पुराने स्टूडेंट है वो अपने सब्सक्राइबर वापस मत लीजिए, प्लीज़ वापस लीजिए, नंबर्स कम हो रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर के। जितने ओल्ड स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जितने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने उसकी नोटिफिकेशन बंद कीजिए और सब्सक्राइब वापस मत लीजिए, रहने दीजिए वैसे ही। नोटिफिकेशन वाला वो बेल आइकन बंद कर दो, ठीक है ना, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके बेटा चलिए बाय। और बहुत से स्टूडेंट हमारे जो है ना सीटी में 90+ मार्क्स बहुत से इसमें हैं, सबके मुझे मैसेज आ रहे हैं। ओके सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके बाय।